स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम अपना हीट का जो टॉपिक चल रहा था कलेक्टर नंबर आज 11 है, इसमें हम लोग रिलेशन बिटवीन अत्यधिक हीट के बीच के संबंध को देखेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन सीपी एंड टीवी। इससे पिछले क्लास में हम सीपी और टीवी के बारे में बता चुके थे, आज ये दोनों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। तो चलिए देखिए, बोर्ड के सामने आपको लिखा हुआ है, तो समझिए किस तरह से सीपी और टीवी में संबंध है। तो कंसीडर गैस इन क्लोज्ड इन अ कंटेनर, मान लिया कि कोई गैस है जो कि कंटेनर में इंक्लोज किया हुआ है, भरा हुआ है, एंड बीइंग हीटेड एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इसको जो है गर्म किया जा रहा है, ठीक है। प्रेशर कॉन्स्टेंट, ध्यान दीजिएगा, being heated at constant pressure from the initial state 1 to final state 2, मतलब कि इनिशियली मान लिया कि टेम्परेचर T1 है, फिर फाइनल टेम्परेचर T2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, उसके बाद उसको हीट किया जाता है। बिलो दैट हम लोग जानते हैं जब हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर के केस में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो हम लोग जानते हैं बता चुके हैं। तो जब हम कॉन्स्टेंट प्रेशर में गर्म करते हैं तो इसमें जो एनर्जी हमने दिया यानी हीट जो दिया वो दो रूप में यूज करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्क डन करने में, और दूसरा गैस अपना इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन कितना हुआ, तो P V2 - V1, यानी कि पहले का वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो गया हीट सप्लाई देने के बाद, और प्रेशर P, तो ये मेरा हीट सप्लाई हो गया। हीट सप्लाई के लिए अत्यधिक हीट कॉन्स्टेंट प्रेशर के केस में P V2 - V1 ये कैसे है पिछले क्लास में बताया, और ये वर्क डन था P V2 - V1। चलिए इंटरनल एनर्जी DU MCP T2 - T1, इंटरनल एनर्जी बता चुके कि जो हम गैस में हीट सप्लाई करेंगे तो वो हीट सप्लाई दो चीज़ों में बट जाएगा, ये जितना हीट अब्जॉर्ब करेगा वो दो चीज़ों में ये डिवाइड कर देगा, पहला वर्क डन करने में, दूसरा गैस अपना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में। तो यही मेरा देखिए इंटरनल एनर्जी इंक्रीज है, तो MCP T2 - T1, जहाँ मास सीवी अत्यधिक हीट है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और T2 - T1 टेम्परेचर डिफरेंस। तब देखिए हमारा ये जो हीट सप्लाई दिए थे क्यू, यहाँ से क्यू जो दिए थे वो दो चीज़ों में बट गया, वर्क डन एंड डूइंग वर्क डन एंड इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। अब क्या करेंगे बारी बारी से हम इस फॉर्मूला में सबका वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए क्यू 1-2 का वैल्यू कितना है, T2 - T1 यहाँ पुट कर दिए, वर्क डन का वैल्यू कितना है P V2 - V1 यहाँ पुट कर दिए वर्क डन की जगह पे, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू कितना है तो MCP T2 - T1 है ना। अब हम क्या करेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का यूज करेंगे, और क्योंकि हमारा इसके पहले वाले गैस लॉ में हम पढ़ चुके हैं करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन PV = MRT ना, इस इक्वेशन का यूज करके आगे हम बढ़ाएंगे। तो मान लिया कि पहले का वॉल्यूम V1 था एट टेम्परेचर T1, फिर फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया एट टेम्परेचर T2, तब T1 = MR T1, T2 = MR T2। अब इसको क्या किए कि सेकेंड में फर्स्ट को घटा दिए, इधर भी टाइम ले लेते हैं करंट साइड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, P V2 - V1 = MR T2 - T1, यहाँ तक कोई दिक्कत चलिए नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे MCP T2 - T1, यहाँ ध्यान दीजिए MCP T2 - T1 होगा, हाँ यहाँ के द्वारा T2 - T1 है ना। MCP इक्वेशन 4 में फिर से हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, P V2 - V1 की जगह पे MR T2 - T1 ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए MCP T2 - T1 ये वाला टर्म
एन के जगह पे टी बी टू माइनस बी वन के जगह पे ए वाला टर्म कर देंगे ए बार बी टू माइनस टी वन, और ये जो टर्म है एन सी बी बी टू माइनस टी वन गलत रह गया। अब क्या करेंगे यहाँ से बी टू माइनस टी वन बी टू माइनस टी वन ये कैंसिल हो जाएगा, एम कॉमन लेंगे तो एम भी कट जाएगा, बचेगा क्या सी पी इधर लेफ्ट साइड में सी पी बचेगा, राइट साइड में एम कट गया ये कट गया तो आठ बचेगा, या ये कट ये बचेगा ये कट गया तो सी बचेगा, यानी कि सी पी इक्वल टू आठ प्लस सी बी, इसको ऐसे जाके लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे सी पी माइनस सी बी बराबर आठ, और सी बी इक्वल टू गामा माइनस वन इक्वल टू आर, गामा कॉन्स्टेंट है सी पी बाई सी बी के रेशियो को गामा कहते हैं, सी पी बाई सी बी के रेशियो को हम लोग गामा मान देते हैं जो कि कॉन्स्टेंट है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं सी पी बराबर गामा सी बी लिख सकते हैं, तो अब उस रिलेशन में क्या करेंगे यहाँ पे सी पी की जगह पे पुट कर देंगे गामा सी बी, और जब सी बी निकाल देंगे इन साइड में तो सी बी इक्वल टू गामा ए माइनस वन इन टू आर, इनसे सी बी इक्वल टू आर बटे गामा माइनस वन, सी बी इक्वल टू आर बटे गामा माइनस वन, ये है आपका कॉन्स्टेंट और सी पी के साथ रिलेशन। लेकिन अगर बोले सी पी और सी बी में रिलेशन तो सी पी माइनस सी बी बराबर तब यहाँ पे देखिए एक हमारा जो रिलेशन आ गया स्पेसिफिक हीट सेट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट सेट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट आर, तो यहाँ पे सीपी जो है बड़ा है यानी ग्रेटर है सीपी से, देखने में आपको सवाल पूछ सकते हैं आप कि सर सीपी माइनस सीपी क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि सीपी जो है मेरा सीवी से ग्रेटर है, पिछले क्लास में हम बताए थे कि सीवी के केस में कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हमारा ये पिस्टन टाइट था मूवेबल नहीं था, जिस वजह से जो हम हीट सप्लाई दे रहे थे तो वहाँ हीट सप्लाई केवल टेम्परेचर इंक्रीज करने में और वहाँ वर्कडन नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे मेरा पिस्टन फिक्स था, ठीक है, तो वहाँ पर जो हम हीट सप्लाई दे रहे थे केवल एक ही चीज़ में खपत हो रहा था टेम्परेचर इंक्रीज करने में, प्रेशर बढ़ तो रहा था लेकिन उसका उसके थ्रू वर्कडन नहीं हो रहा था। इस सीवी के केस में सीवी के केस में क्या हुआ कांस्टेंट प्रेशर के केस में कि मेरा ये पिस्टन मूवेबल था, कांस्टेंट पिस्टन मूवेबल था तो प्रेशर कांस्टेंट था, जब हम हीट सप्लाई दिए तो हीट का यूज इन्होंने दो रूप में किया, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में, दूसरा वर्क डन करने में, तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में हीट का यूज दो फॉर्म में हुआ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में और वर्क डन में, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। तो ठीक है अब नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे का सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक में, यानी ये चैप्टर का ये जो हमारा डेरिवेशन था खत्म हो चुका है, अब इससे संबंधित छोटा सा एक न्यूमेरिकल देखेंगे, एक रेशियो है दोनों में सीपी बाय सीबी का, उसके बाद इससे न्यूमेरिकल देखेंगे और ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं है ना, अभी हम दोनों के बारे में रिलेशन देख रहे थे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, अब हम रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट दोनों स्पेसिफिक हीट के रेशियो के बारे में जानते हैं, तो द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट सीपी वाई सीबी ऑफ द गैस मतलब कि दोनों स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट प्रेशर दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, तो दोनों स्पेसिफिक हीट ही है तो इसका तो कोई यूनिट और कोई डायमेंशन होगा नहीं, ये नियतांक ही आएगा इसीलिए कांस्टेंट होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर गामा, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं तो ग्रीक लेटर गामा से डिनोट करते हैं, इट आल्सो नोन एज एडियाबेटिक इंडेक्स, इसको एडियाबेटिक इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एडियाबेटिक इंडेक्स क्या, तो एक तरह का एडियाबेटिक जो प्रोसेस है वो इसको ये उसको फॉलो करता है, इसलिए बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में एडियाबेटिक आइसोबेरिक आइसोपोरिक प्रोसेस तब जाके क्लियर हो जाएगा। सिंस सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी द वैल्यू ऑफ गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडीटी, अभी बताएं कुछ देर पहले कि सीपी जो है हमेशा सीवी से ग्रेटर है तो दोनों का रेशियो इमेजिन कीजिए सीपी
सीपी ग्रेटर देन सीवी, तो हमेशा ये बड़ा ही रहेगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन सीपी। सही बात है, हर दफा में ये अगर ग्रेटर आ रहा है, मान लिया कि सीपी मेरा 2 है, सीवी 1.9 भी है, तो एक तो आएगा ग्रेटर देन से 1 आएगा, 1 से ग्रेटर ही आएगा हमेशा रेशियो। मान लिया कि ये 3 है, ये 2 है, तो 1 से ग्रेटर ही रेशियो आएगा। तो ये चीज है, तो बाय रिलेशन वी नो दैट CP minus CV equal to R and CP equal to CV right side में देने, तो CV plus R हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, dividing both sides by CV, दोनों तरफ CV से हमने divide कर दिया, CP by CV equal to 1 plus R by CV। अब इस ratio को हम लोग अभी बताएंगे गामा के नाम से जानते हैं, तो गामा equal to 1 plus R by CV। ये मेरा सीपी और सीवी में रिलेशन था। अब ये जो वैल्यूज हैं सीपी और सीवी डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो चलिए हम एक चार्ट देखते हैं और उस चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट गैसों का सीपी सीवी और आर का वैल्यू हम लोग देखते हैं। आर तो कॉन्स्टेंट है, सबका सेम रहेगा, गामा का वैल्यू यानी दोनों का रेशियो। तो हम हमारे पास चार्ट थोड़ा लंबा है, तीन चार गैसों का हम सीपी सीवी और गामा का डाटा हम आपको दे रहे हैं, बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका जो यूज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में इसका बहुत यूज होगा। चलिए देखते हैं चार्ट बनाते हैं। चलिए अभी बता देते हैं कि कुछ गैसों का सीपी सीवी और कॉन्स्टेंट गामा का मान देखना था हमें, हम गैस के बारे में बता रहे थे। हमारे पास बहुत ज्यादा लंबा लिस्ट है, लेकिन देखिए दो तीन गैस का हम दिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एयर है, एयर का सीपी जो है स्पेसिफिक है कॉन्स्टेंट प्रेशर तो 1 है, स्पेसिफिक है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम 0.720। और देखिए जो गामा का रेशियो है, गामा क्या था सीपी बाई सीवी, वो 1.40 आ रहा है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अगर देखते हैं तो इसका स्पेसिफिक हीट कंसंट्रेशन 0.84, सीवी 0.657 और दोनों का जो वैल्यू 1.29, ठीक है। O2 जो है ऑक्सीजन 0.193, 1993, 0.63 है। देखिए हर केस में स्पेसिफिक हीट ग्रेटर देन 1 आ रहा, तो हम चार्ट दिखाने का हमारा मकसद ये था कि आप लोग देख सके कि गामा का जो वैल्यू है वो हर दशा में एक से ग्रेटर आ रहा है केस में, वो किस वजह से आ रहा है, वो सीपी ग्रेटर देन सीवी के वजह से। और जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये डाटा आपका दिया रहेगा, इसलिए इसको याद नहीं करना है, इसको घबराना नहीं है, बस इसको समझना है कि ये गामा कॉन्स्टेंट है क्या और सीपी सीवी है क्या, ठीक है। न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा। देखिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के तौर पे हम लिखे हैं बोर्ड पे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, है ना, कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगा टू राइज टेम्परेचर 750 ग्राम ऑफ कॉपर पॉट, कॉपर का बर्तन है उसका टेम्परेचर को राइज करना है ना, कॉपर का बर्तन कितना ग्राम का है, 750 ग्राम का है, फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड करने में कितनी ऊष्मा की मात्रा खपत होगी कॉपर का बर्तन अगर 750 ग्राम का हो, है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ स्पेसिफिक का कॉपर, कॉपर का जो विशिष्ट ऊष्मा है स्पेसिफिक में विशिष्ट ऊष्मा वो 0.094 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो चलिए डाटा सबसे पहले हम नोट करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो मास यानी 750 ग्राम में दिया हुआ है, इसको केजी में बदलेंगे तो 0.750 केजी आ जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर मेरा दिया हुआ है T1 20 डिग्री और T2 दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट C
सी का मान सी पी सी बी है ना, तो यहाँ तो सी सिंपल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर का केस है ना ही कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का केस, तो 0.094 किलो कैलोरी पर डिग्री केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तब हमको निकालना है हीट सप्लाइड या हाउ मच हीट, सवाल ही सबसे पहले क्या बोला हाउ मच हीट यानी ऊष्मा की मात्रा, तो फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू, चलिए इसको बता दे रहे हैं यहाँ पे हम तो जानते हैं वी नो दैट हीट सप्लाई टू द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड कांस्टेंट सी डेल्टा टी, ठीक है एम सी डेल्टा टी, एम हमारा मास 0.75 किलो, कांस्टेंट सी का वैल्यू 0.094 एंड डेल्टा टी दैट मींस टेंपरेचर डिफरेंस, इसको एक तरह से लिख लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा टी टू माइनस टी वन दैट मींस नेक्स्ट कर देंगे 0.750 इंटू 1094 प्लस टी टू है मेरा 50 और टी वन है 20, तो 50 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका सलूशन आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 2.115 किलो कैलोरी। ये है आपका इस सवाल का फाइनल आंसर, हमें मास क्या रहा था हाउ मच हीट, कितनी ऊष्मा की मात्रा खपत होगी या कितना ऊष्मा लगेगा अगर कॉपर का प्लेट हो, कॉपर का बर्तन हो 750 ग्राम का हो और उसको इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो और उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है गर्म करना यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा देना। जब हमें कॉपर के जो विशिष्ट ऊष्मा का वैल्यू है स्पेसिफिक हीट से वो 0.094 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ हो तो ठीक है। नेक्स्ट और भी प्रॉब्लम बनाइए आपको देखते हैं आगे प्रॉब्लम है ना, उसके बाद बाकी एक प्रॉब्लम का अलग से वीडियो ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में होगा वो, ये वीडियो को छोड़िएगा नहीं सारा वीडियो देखिएगा। वीडियो छोड़ दीजिएगा तो मेरे पास कुछ नहीं पाएगा, चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज द रेशियो ऑफ हीट ऑफ गैस इज 1.4 if the specific heat at constant volume is if the heat at constant volume is क्या दिया हुआ है 4.82 किलो कैलोरी, 4.82 किलो कैलोरी पर किलो मोल के मोल कैलोरी कैलोरी में ये दिया हुआ है। फाइंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, फाइंड दी यूनिवर्सल गैस डिमांड किया है यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर हमसे डिमांड किया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सब डाटा नोट कर लेंगे। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 1.4 यानी कि देखिए यहां पे क्या दिया हुआ रेशियो दिया हुआ ध्यान दीजिएगा और रेशियो कितना दिया हुआ 1.4 ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग गामा इक्वल टू
1.4, ठीक है। इसके बाद इफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 4.82, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में स्पेसिफिक हीट Cv इक्वल टू 4.82 जानते हैं, है ना। 4.82 दिया हुआ है किलो कैलोरी पर के मोल केल्विन, ठीक है। दो डाटा हमें दिया हुआ, तब हम यहां से क्या जानते हैं, Cp / Cv बराबर होता है गामा कांस्टेंट। तो देखिए यहां पर Cp निकाल लेंगे, ठीक है। Cp निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, Cp इक्वल टू गामा Cv, दैट मींस गामा का वैल्यू मालूम है 1.4 और Cv का वैल्यू मालूम है 4.82, ठीक है। यहां से हमें Cp निकल जाएगा, Cp का वैल्यू आ जाएगा 6.784 लिख लीजिए किलो कैलोरी पर के मोल केल्विन, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, आर, तो जानते हैं फॉर्मूला से, अभी हमने इसके पहले Cp माइनस Cv का फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो Cp माइनस Cv बराबर आर। Cp हमें मालूम है 6.784 तो सिंपल हम आर इक्वल टू लिख सकते हैं, इधर आर से इधर कर देते हैं, आर इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, तो सी पी का वैल्यू है 6.784 माइनस सी वी का वैल्यू है 4.82 और यूनिट ए रह जाएगा किलो कैलोरी पर केल्विन मोल किलो मोल केल्विन, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्स्टेंट आर का वैल्यू, और ये आ जाएगा आपका 1.928, लगा के देख लीजिएगा 1.928 किलो कैलोरी पर के मोल केल्विन। तो इन तरह का छोटा छोटा प्रॉब्लम हम लोग अब आगे देखेंगे स्पेसिफिक हीट से संबंधित। इसके पहले जितना भी हमने आपको बताया है टॉपिक उससे संबंधित न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, तो इस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल होगा सेपरेट न्यूमेरिकल होगा, और ये जो बस इनिशियल था एक दो न्यूमेरिकल, इसको ढंग से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी लेक्चर नंबर 12 होगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।